टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने जोहानसबर्ग टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। पुजारा ने 86 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से 53 रन बनाए और अजिंक्य रहाणे के साथ तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। रहाणे ने 78 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। अपनी इस शानदार पारी के बाद पुजारा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक मशहूर कहावत दोहराते हुए कहा, फॉर्म टेम्परेरी है, क्लास परमानेंट। दरअसल पिछले कुछ समय से पुजारा और रहाणे खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। इस कारण टीम इंडिया में उनकी जगह को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में शतक जड़ने के बाद रहाणे की फॉर्म में लगातार गिरावट देखने को मिली है। जोहानसबर्ग टेस्ट को छोड़ दे तो मेलबर्न टेस्ट के बाद से रहाणे 14 टेस्ट में 2 अर्धशतक की मदद से सिर्फ 479 रन ही बना सके थे। पुजारा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। उन्होंने अपना आखिरी शतक 2019 में सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। सेंचुरियन में फ्लॉप होने के बाद जोहानसबर्ग टेस्ट की पहली पारी में रहाणे और पुजारा नहीं चले। पुजारा 3 रन बनाकर आउट हुए और रहाणे खाता नहीं खोल सके। इसके बाद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा था कि जोहानसबर्ग टेस्ट की दूसरी पारी पुजारा और रहाणे के लिए आखिरी हो सकती है और फिर इस पारी में इन दोनों ने इंटेंट दिखाते हुए लाजवाब बल्लेबाजी की। दोनों ने 50 लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया। पुजारा ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत की। गावस्कर के बयान और अपनी फॉर्म को लेकर पुजारा ने कहा, हमें खुद पर पूरा भरोसा है और टीम मैनेजमेंट का भी हमें पूरा सपोर्ट है। हम हमेशा सनी भाई से सीखते रहते हैं और जब भी मैंने उनसे बात की है वो हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। हाँ, ऐसा भी समय होता है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हो, इसमें सवाल तो उठेंगे, लेकिन हम आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी हैं। मैं और अजिंक्य जानते हैं कि हम अपने खेल के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक कहावत है, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, और ये बात हम दोनों पर सटीक बैठती है। बता दें कि दूसरी पारी में रहाणे और पुजारा के बीच तीसरे विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी हुई। खराब फॉर्म से उबरते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 50 लगाया। रहाणे के साथ हुई शतकीय साझेदारी पर पुजारा ने कहा, मेरे ख्याल से रहाणे के साथ साझेदारी काफी अहम रही क्योंकि हम उस स्टेज पर थे जहां बोर्ड पर रन लगाने की सख्त जरूरत थी। मैं अपने नहीं बल्कि टीम के स्कोर के बारे में सोच रहा था, इसलिए रहाणे के साथ अहम साझेदारी की। बताते चले कि टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य रखा था, जिसको साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट बचाते हुए हासिल कर लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। और जाते हुए भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात, विंजो। यहाँ पर 100 से ज्यादा गेम्स है, वो भी 12 भाषाओं में। इसके साथ ही यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट भी नहीं पालना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम को आप अपनी टीम बना सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है जहाँ पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं और जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स, और इन कूपन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट पर। इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।